हिजाब पहनी, एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट? इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें, बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पॉन्स मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर
फर्म के ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किया है, जिसके मुताबिक द केरला स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए है। द केरला स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरला स्टोरी को सुदीप सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरला स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरला स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरला स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरला स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किया है, जिसके मुताबिक द केरला स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए है। द केरला स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।
हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरला स्टोरी को सुदीप सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल
प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वही कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देखकर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पॉन्स मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वही कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देखकर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी,
जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फर्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वही कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देखकर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़।
तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 में यानी कल सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमा घरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पॉन्स मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 में यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पॉन्स मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं।
इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फर्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किया है, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए है। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फर्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किया है, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए है। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी,
यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है।
विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर। छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार। पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर। छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म
800.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फन 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फर्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वही कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 800.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है।
हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरला स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरला स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरला स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरला स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरला स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरला स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरला स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरला स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरला स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देखकर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरला स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरला स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरला स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरला स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरला स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरला स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरला स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है।
सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरला स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरला स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए है। द केरला स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरला स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरला स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरला स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरला स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरला स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरला स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरला स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरला स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरला स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरला स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरला स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरला स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरला स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है
और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरला स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरला स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरला स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरला स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरला स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरला स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरला स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है।
फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वहीं अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहां तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है,
जिसका अंदाज अब फर्म की कमाई को देखकर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। शैक्षणिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फर्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फर्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फर्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 में यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वही कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाज अब फिल्म की कमाई को देखकर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। शैक्षणिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी,
जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वही कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देखकर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध
वही अब जब द केरला स्टोरी सिनेमा घरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरला स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरला स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरला स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए है। द केरला स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरला स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरला स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरला स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरला स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरला स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरला स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरला स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरला स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरला स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरला स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरला स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरला स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इन
बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए है। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच
रही है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरला स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वहीं अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है।
इस बात से जहां फैंस खुश तो है वही कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देखकर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 में यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पॉन्स मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है वही कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देखकर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है।
कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फर्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वही कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देखकर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़।
तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 में यानी कल सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमा घरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पॉन्स मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है वही कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 में यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पॉन्स मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं।
इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फर्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किया है, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए है। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फर्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किया है, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए है। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी,
यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरला स्टोरी को सुदीप सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है।
विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर। छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 68.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पुन्नियिन सेल्वन की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार। पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर। छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म
8.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फन 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फर्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरल स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरल स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरल स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विवाद का नहीं पड़ रहा है द केरल स्टोरी की कमाई पर असर, छठे दिन भी कमाई इतने करोड़। इन दिनों विवादों में चल रही फिल्म द केरल स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश तो है, वही कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देख कर लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं द केरल स्टोरी ने छठे दिनों में कितने कमाई कर ली है। सैचनिक के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरल स्टोरी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म 8.86 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केरल स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.3 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.7 करोड़ और पांचवे दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टारर किसी का भाई किसी की जान और ऐश्वर्या राय की पन्नीर सेल्वम की भी कमाई जारी है।
हालांकि वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है। द केरला स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रही शानदार, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़। तमाम विवादों में फंसी द केरला स्टोरी 5 मई यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज से पहले काफी बवाल हो रहा था और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करते हुए फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी। वही अब जब द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंची है तो फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है और उसकी ओपनिंग अच्छी रही है। चलिए यहाँ जानते हैं द केरला स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला है। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ट स्टोरी बता रहे हैं। इसी के साथ द केरला स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरला स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपयों का शानदार कमाई किए हैं। द केरला स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है जिनका ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन करवाया जाता है और कथित तौर पर ये आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो जाती है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी, यहाँ तक कि फिल्म की रिलीज को रोक के मांग वाली याचिका भी जमीयत उलेमा एक हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया था। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। द केरला स्टोरी को सुदीप्त सेन ने डायरेक्ट किया है और इसे विपुल अमृतवाला लाल साहा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में आदर्श शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है।